जो माँ है उसको बहुत ओवररेटेड बना दिया है कि हाँ भाई ये माँ है, ये पूजा पूजी जाती है, इसकी पूजा होती है, इसको ये काम करने ही हैं। हम कैसा करेंगे कि जो हम है ना, जहाँ ख़त्म हो जाता है वहाँ से डिप्रेशन शुरू हो जाता है। वही लेडी, वही औरत जो सास है उस रूप में, उसको बहू का बढ़ा हुआ पेट अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब वो माँ बन जाती है तो वो उसको बढ़ा हुआ पेट देखने में कोई आपत्ति नहीं। मेरी शुरुआत इस किताब की लल्लन टॉप से हुई थी। आपको एक साथ जाना है, एक साथ जीना है, एक साथ हर पल को महसूस करना है, तो सब कुछ अच्छे से होगा। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, काफ़ी दिनों से नज़ला हो रखा है, लेकिन दफ्तर ज़रूरी है। और वैसे भी आप जब थोड़ा बीमार होते हैं तो एक चीज़ अच्छी होती है कि बिस्तर पर ज़्यादा वक्त बिताते हैं, किताबें ज़्यादा पढ़ते हैं। किताब वाला वापस आ गया है। इस बार की किताब अंकिता जैन की मैं से माँ तक, इसे राजपाल प्रकाशन ने छापा है और पेपरबैक जो एडिशन है उसकी कीमत है 175 रुपये। अंकिता जैन इस किताब की राइटर। ये आपकी प्रेगनेंसी के सफ़र के बारे में है जी। और अच्छी चीज़ ये है कि ये मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है। इस तरह की किताबें लिखी जाती हैं अंग्रेज़ी में, फिर उनका तर्जुमा होता है जी। और ट्रांसलेशन में वो तासीर भी नहीं आ पाती। तो कहाँ से ख्याल आया इस किताब को लिखने का? मैं जब भी इस तरह के सवाल मुझसे बाहर पूछे जाते हैं तो मैं जनरली यही बताती हूँ कि मेरी शुरुआत इस किताब की लल्लन टॉप से हुई थी। और अब मैं लल्लन टॉप पे पूछ रहे हैं तो मैं आपको क्या बताऊँ आपसे। हाँ, मैं दर्शकों को यही बताऊंगी कि इस किताब की शुरुआत हुई थी 2016 नवंबर में। तब मैं एक बहुत ही डिप्रेसिंग फेज से गुजर रही थी क्योंकि मैंने 5-6-7 महीने से कुछ लिखा नहीं था। एक मिसकैरेज हो चुका था, दूसरी प्रेगनेंसी भी बहुत क्रिटिकल थी और मैं कुछ लिखना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी, बहुत कुछ था जो अंदर जो बताना चाहती थी। तो अब लल्लन टॉप पे एक ऐड देखा था मैंने कि अगर आप लिखते हैं तो आप हमारे लिए लिखिए, इस तरह से एक ऐड था। तो मैंने आपको एक मेल डाला, एक मैसेज किया कि मेरे पास भी लिखने के लिए कुछ है और आपसे मेरी बात हुई तो आपने पूछा कि आप किस फेज़ में हैं, तो आप इसी फेज़ के बारे में लिखिए। तो बेसिकली आपके ज़रिए ही ये चीज़ मेरे अंदर से बाहर आ पाई कि मैं जिस फेज़ में थी उस फेज़ को मैं लिख दूं और दुनिया को बता दूं कि मैं वाकई में ये जो फेज़ है, जो प्रेगनेंसी का फेज़ है, ये सिर्फ मेरा नहीं है, ऐसा बहुत सारी औरतों के साथ हो रहा है और बहुत सारी औरतें इस पर बोलना चाहती हैं लेकिन वो बोल नहीं पाती हैं। बहुत ज़रूरत है इस पर बोलने की, क्योंकि मैंने जब अपनी प्रेगनेंसी के समय में 5-6 महीने किताबें सर्च की हिंदी में, किताबें पढ़ने के लिए, तो मुझे हिंदी में गाइड बुक्स तो बहुत मिली इंडियन ऑथर्स की, लेकिन कोई ऐसी बुक नहीं मिली जो इमोशनली हमको जोड़ पाए, जो हमारी भावनाओं को बता पाए, जो ये कह पाए कि एक स्त्री के साथ भारत में क्या होता है जब वो प्रेग्नेंट होती है और उसके 9 महीने कैसे बीतते हैं। इंग्लिश ऑथर्स की थी लेकिन मुझे इंडियन कल्चर में पलपी हुई और इंडियन कल्चर में लिखी हुई किताब चाहिए थी जो नई थी, तो वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ। किस तरह का रिस्पॉन्स आया? आपने लल्लन टॉप के लिए कॉलम लिखे, प्रभात खबर अखबार के लिए लिखा और अब ये किताब भी आ रखी है। रिस्पॉन्स तो बहुत ही अच्छा था, तभी ये सफ़र किताब तक पहुंचा, क्योंकि जब मैंने लल्लन टॉप के लिए आर्टिकल लिखे तो मुझे पर्सनली बहुत सारे लोगों के मैसेज आए और अनबिलीवेबल ये था कि उसमें लड़कों के बहुत सारे मैसेजेस थे। दे वर वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे वो कि एक लड़की है जो उनको ये बता रही है कि प्रेगनेंसी की जर्नी क्या होती है, वो ये समझ पा रहे हैं कि एक लड़की प्रेगनेंसी के दौर में कैसे गुजरती है। और मेरे उस सफ़र में बहुत सारी अनजान लड़कियाँ मेरे सहेलियाँ बनती गईं, वो बताती गई मुझे कि अरे ये तो हमने भी फील किया है लेकिन हम कह नहीं पाते हैं, और हम तुम हमारी बात कह रही हो, हम तुमसे कह सकते हैं। वो मेरे इनबॉक्स में आके, मेल बॉक्स में आके मुझे बताती थी, अपनी कहानियाँ सुनाती थी जो वो कहीं किसी से नहीं कह सकती थी, वो मुझसे आकर कहती थी। तो प्रभात खबर के समय में भी यही हुआ कि अनजान बहुत सारी सहेलियाँ मेरी बनती गई, पुरुष बहुत सारे, IIT रुड़की, IIT बॉम्बे के 2 प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे मेल किए कि हमारी वाइफ हैं जो इस दौर में हैं और आप बताइए। मैं उनको बोलती थी कि भाई मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आप प्लीज़ किसी अच्छे डॉक्टर से सजेशन लीजिए, पर मैं आपको बस ये बता सकती हूँ कि आप कैसे पीसफुल रह सकते हैं सिचुएशन में। तो ऐसे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, लोग पीसफुल रह सकते हैं। एक्चुअली पता है कि इंडियन जो सोसाइटी है उसमें आपको भी पता है, सबको पता है कि पितृसत्तात्मक सोसाइटी है, यहाँ पे जो माँ है उसको बहुत ओवररेटेड बना दिया है कि हाँ भाई ये माँ है, ये पूजा पूजी जाती है, इसकी पूजा होती है, इसको ये काम करने ही हैं। वो खुद को भूल जाए और वो सारे काम कर ले,
पर ये कोई नहीं सोचता कि वो खुद को क्यों भूले, उसकी भी अपनी जिंदगी है। माँ बनने से पहले भी तो वो एक लड़की है, औरत है, तो वो कोई नहीं सोचना चाहता। और उसके ऊपर बहुत सारे दबाव होते हैं, उसको परिवार को लेकर चलना होता है। मैंने इसमें आपातकाल करके जो मूड स्विंग है उसके ऊपर एक पूरा चैप्टर लिखा है कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है जब आप किसी से बात नहीं करना चाहते, आपका दिमाग फट रहा होता है, लेकिन आपको लेकर चलना पड़ता है कि आपकी सास कुछ ना कह दे, आपकी ननद कुछ ना कह दे, कोई रिलेटिव कुछ ना कह दे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर नहीं होती, हमारे इंडिया में होती हैं। तो जैसे वो लड़की जो मायके में आपके घर से कुछ दूर, बिल्कुल बताइए वो वाक्य। हाँ, वो वाक्य ये था कि मेरा 6 महीने चल रहा था जब मैं अपने मायके में गई, तो तब तक मेरा जो पेट है वो उभार ले चुका था अच्छा खासा। और मैं, मुझे डॉक्टर ने वॉक करने के लिए बोला था क्योंकि मैं 1 महीने के बेड रेस्ट के बाद उठी थी। मेरी प्रेगनेंसी बहुत क्रिटिकल थी, तो मैं 1 महीने के बेड रेस्ट के बाद उठी थी। तो जब मैं वॉक करती थी तो एक और प्रेग्नेंट लेडी थी जिसका फुल मंथ चल रहा था, 9वां महीना चल रहा था, वो अपने छत पे टहलती थी। तो जब मैं कभी कभी उसे छत से या नीचे से देखती थी तो मैं ये सोचती थी कि 2 सीढ़ियां चढ़ के छत तक जाती कैसे होगी। और उसका जो लिबास है, वो जो पहनती थी, वो पहनती थी प्रॉपर राजस्थानी घाघरा चुन्नी, पूरा माथा ढका हुआ यहाँ तक। तो मुझे बहुत, उसको देख के मुझे लगता था कि मैं जाऊँ और उससे कह दूँ कि भाई उतार दो, कहीं किसी तुम गिर ना जाओ किसी दिन। मुझे डर लगता था उसको देख के कि वो किसी दिन गिर ना जाए सीढ़ियों से, अगर गिर गई तो क्या होगा। 9 महीने में बहुत मुश्किल होता है कि आप 4 कदम भी ठीक से चल पाएं, इतने बड़े पेट को लेकर। वो इतने बड़े पेट को लेकर 2 सीढ़ियां चढ़ती थी, तो मुझे उसको देख के बहुत डर लगता था। मुझे लगता था कि ये सड़क पे क्यों नहीं घूम रही है। अगर वॉक करना है, आप एक सोसाइटी में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं जहां बहुत गाड़ियां नहीं आ रही हैं, या आपके घर के पास में कोई पार्क है, तो आप सड़क पे घूमने क्यों नहीं जा सकती हैं, या पार्क में घूमने क्यों नहीं जा सकती हैं। तो जब मैंने बात की आस पड़ोस वालों से या उसकी सास से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई कुछ कर देगा, कोई टोटका लगा देगा, कोई टोना लगा देगा, इतना बड़ा पेट लेके बाहर जाएगी, अच्छा थोड़ी लगता है, वो क्यों साड़ी जो लिबास पहन रही है। आपको रोकना चाहूँगा, ये जो हमारे समाज की बड़ी घटिया सी सोच है ना, अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता है कि पेट बढ़ा है? एग्जैक्टली तो हम सबकी माओं का पेट बढ़ा है, तभी तो हम पैदा हुए ना। आपको एक बात बताती हूँ कि ये टेंडेंसी सिर्फ बहुओं के लिए है। जब आपकी बेटी की शादी हो जाती है, आपकी बेटी शादी के बाद प्रेग्नेंट होके मायके आती है, वो जीन्स टॉप पहन के बिंदास घूम रही है। लेकिन अगर आपकी बहू है, घर में रहती है, वो अगर बड़ा पेट लेकर बिना दुपट्टा के घूम रही है, तो उसको टोक दिया जाता है। इतना बड़ा पेट लेके सबके सामने घूम रही हो, ऐसे घूमना चाहिए क्या? जाओ ढको उसको। तो ये जो टेंडेंसी है, ये बेटी और बहू के लिए अलग अलग है। वही लेडी, वही औरत जो सास है, उस रूप में उसको बहू का बढ़ा हुआ पेट अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब वो माँ बन जाती है तो वो उसको बढ़ा हुआ पेट देखने में कोई आपत्ति नहीं है। आप ठीक है, आप पहनिए, आप पहन जो पहनना है आप पहन। कि होना मेरे ख्याल से ये चाहिए, जैसे मैं अभी अपना शो शूट करने के पहले आ रहा था, तो हमारे वहाँ प्रोडक्शन में एक लड़की है, हु इज एक्सपेक्टिंग। तो व्हेन यू सी अ प्रेग्नेंट वुमन, You become extra sensitive, extra careful. तो आप तेजी में जा रहे हो, कॉरिडोर छोटे, तो आप रुक जाते हो, नहीं आप पहले निकल, आप पहले निकल जाइए। You look at her, you smile. हाँ, because she's gonna create a new life. हाँ, तो आपको तो एक्स्ट्रा केयरिंग होनी चाहिए। मुझे सड़क पे कोई, हमें किसी को भी महिला दिखे जो प्रेग्नेंट है, वॉक कर रही है, तो you'll just admire, you'll just like okay, good luck, I mean something like that. ऐसा बाहर तो हो जाता है, और अब हमारे इंडिया में भी थोड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं, लिबरल्स हैं मेट्रो सिटीज़ में, वो शायद ऐसा कर दें। लेकिन छोटे शहरों में, ये किताब शायद इसीलिए भी लिखी गई कि मैं एक बहुत छोटे शहर में रह रही थी इस दौरान। अगर मैं दिल्ली बॉम्बे में कहीं रह रही होती, जहाँ उतना ज़्यादा इंटरेक्शन अड़ोसियों पड़ोसियों से नहीं होता है, या इन लॉज का नहीं होता है, तो मैं शायद ये किताब नहीं लिख पाती। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस किताब को लिखने के बाद उन लोगों के भी बहुत मेल्स आए जो मेट्रोज में रहते हैं, और उनके साथ वहाँ पर भी वही सिचुएशन हो रही है जो छोटे शहरों में होती है। छोटे शहर हो, गाँव हो, जो दकिया नूसी पान है, वो तो सब जगह सब जगह एग्जैक्टली वही हो रहा है। तो वो लोग भी, ये वाला जो चैप्टर मैंने लिखा था जिसमें मैंने अपना फोटो शूट कराया था, उस टाइम पे बहुत लोगों के मैसेज आए थे कि करीना कपूर के बाद हम जिनको फॉलो करते हैं उसमें तुमको ही देख रहे हैं कि जो अपना प्री मैटरनिटी शूट करा रही है और इतनी हैप्पी है, हमको तो इस तरह के फोटो फेसबुक पे डालने की भी परमिशन नहीं है। फोटो छोड़िए, अभी एक लड़की ने ये किताब पढ़ी और उसने मुझे इनबॉक्स में आके इसका रिव्यू दिया,
तो वो मुझे कहती है कि मैं इसका रिव्यू फेसबुक पे नहीं लिख सकती क्योंकि मेरे घर वालों ने मना किया है कि अभी किसी को बताना मत कि तुम माँ बनने वाली हो। मतलब आप माँ को दुनिया की सबसे ओवररेटेड चीज़ बना के एक पूजनीय स्त्री बना के रख देते हैं, और दूसरी तरफ जब वो माँ बन रही होती है तो आप ये चाहते हैं कि वो किसी को बताए ना कि वो माँ बन रही है। मतलब आप सोचिए कि कितना कॉन्ट्राडिक्शन है सोच में इंडियन सोसाइटी में कि आप किसी को बताओ मत कि तुम माँ बनने वाली हो। क्यों ना बताएं भाई, क्यों ना बताएं। और एक ये जो आप उस महिला का बता रही थी जी कि उनकी पोशाक कंफर्टेबल हाँ, नहीं लग रही थी, बिल्कुल वो बाद में गिर भी गई। हाँ वो गिर भी गई थी और छत पे घूमती थी। हाँ वो छत पे घूमती थी, वो गिर गई थी, वो उसी जो घाघरा वो पहनती थी उसी घाघरे में बीत कर वो पैर फिसला और वो गिर गई थी। बट भगवान की दया है कि उनका बच्चा अच्छे से हो गया था। पर अगर सोचिए उस समय कुछ हो जाता तो किसको जिम्मेदारी दी जाती इस बात की, उस पोशाक को? क्यों वो लोअर नहीं पहन सकती है? क्यों वो कुछ ऐसा नहीं पहन सकती है जिसमें कंफर्ट हो? एग्जैक्टली, जिसमें कंफर्ट हो वो क्यों नहीं पहननी है? स्लैक्स पहनना है, ढीला पजामा, क्योंकि वो नाड़ा वाला भी टाइट होने लगता है, कट बनने लगते हैं, वो सब है ना, बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है यहाँ पर। और मेरे साथ तो ये भी समस्या थी कि मुझे मेरा जो मुझे टॉयलेट बहुत ज़्यादा आने लगी थी। मतलब मैं कई कई बार 15-15 मिनट बाथरूम में बिताना पड़ता था मुझे, क्योंकि मुझे लगता था अभी बाहर जाऊँगी फिर अंदर आना पड़ेगा। रात को कई बार ऐसा होता था मैं रात रात भर सो नहीं पाती थी क्योंकि मुझे हर 5 मिनट में बाथरूम जाना पड़ता था। तो ऐसा जिनके साथ होता है, कई सारी एक एक्सपीरियंस मैंने इसमें भी शेयर किया है कि मेरी एक फ्रेंड है उसको डायपर पहनना पड़ता था, क्योंकि ब्लडर जब आपका प्रेशराइज होता है बच्चे की वजह से तो आपको नहीं पता चलता, कई बार आपकी बाथरूम निकल जाती है। तो आप अगर साड़ी ब्लाउज पेटीकोट सब पहने हुए हैं फिर आपकी वो गीली हो जाएगी, फिर आपको पूरा बदलना पड़ेगा। तो वो डायपर पहनती थी ताकि वो गीला ना हो, उसका लिबास गीला ना हो बार बार इस वजह से। और वो लोअर नहीं पहन सकती थी या वो कुछ ऐसा नहीं पहन सकती थी या स्कर्ट नहीं पहन सकती थी ताकि वो फटाफट उसको चेंज कर सके या यूज कर सके। ये तो भाई आप जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप में से ज़्यादातर या तो आप मेल होंगे या फीमेल, हो सकता है कि कोई थर्ड जेंडर का भी व्यक्ति देख रहा हो। तो यदि आप फीमेल हैं और बच्चा करने की सोच रही हैं तो प्लीज़ अपनी सेहत, अपने पहनावे का ख्याल रखिए, जिसमें आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं वो पहनिए। और यदि आप उस दौर में हैं कि आपकी भाभी, आपकी बहू वगैरह प्रेग्नेंट है तो प्लीज़ उनको दरेरा देना बंद करिए कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ वो स्वस्थ बच्चे को पैदा करे, ये आपकी पहली प्राथमिकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उसके लिए वो खुश रहे, स्वस्थ रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडियन सोसाइटी में ये कि हमने भी तो किया था, तुम कौन सा बड़ा तीर मार रही हो? दैट इज द मेन इशू। हमारे टाइम पे तो हम काम भी करते रहते थे, काम भी करते थे, इतना इतना चलते थे, झाड़ू पोंछा भी करते थे, और ये आजकल की लड़कियां देखो एक एक बच्चे में अधमरी हो जाती हैं। दिस इज द मेन इशू इन इंडियन सोसाइटी कि वो अपने टाइम से 30 साल पहले से कंपेयर करती हैं। वो ये नहीं देखती कि 30 साल में हमने इस देश को, इस धरती को इतना पॉल्यूटेड कर दिया है कि हमारे शरीर उस लायक बचे ही नहीं, कितना कचरा हमने हमारे अंदर जमा कर लिया है। आप शुद्ध देसी घी खाते थे और मस्त तंदुरुस्त होते थे, हम लोग हॉस्टल में 11-11 साल 12-12 साल की उम्र से हॉस्टल चले जाते हैं और हम लोग खाते हैं वो पतली दाल और गंदी सब्जी, तो हमारे शरीर को क्या मिलता है, कैसे वो पोषित होंगे? और जो घर में भी रहती हैं उनको उतना अच्छा खाना नहीं मिलता है कि वो उतनी ज़्यादा पहले की तरह, पहले के एनवायरनमेंट और अब के एनवायरनमेंट में फ़र्क था। पर एक फ़र्क ये भी है अंकिता कि हो सकता है कि पहले भी महिलाएं ये सब तकलीफें झेलती थी लेकिन तब बोल नहीं सकती। हाँ, आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताती हूँ कि मेरे घर की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, मेरा जो बेटा है उसके साथ काफ़ी टाइम इंजॉय करती हैं और बोलती हैं, तो उनका डायलॉग ये होता है कि अपने बच्चों का समय तो हम जी ही नहीं पाए, इनको ही जी लें। मतलब वो उन्होंने एक ड्यूटी की तरह निभाया, बड़ा किया और हो गया, अब वो अपने नाती पोतों के साथ जीना चाहती हैं क्योंकि वो अपने बच्चों का समय नहीं जी पाए। आप सोचिए कि इस बात में कितनी तकलीफ, कितना दर्द भरा है कि वो अपना, मैं आज अपने बच्चे का हर मोमेंट जी रही हूँ, वो नहीं जी पाए क्योंकि उनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इतनी ज़्यादा चीज़ें थी जो उनको करनी ही पड़ती थी कि नहीं बहू हो तो ये करना है, ये जो चीज़ है ये हमेशा से रही है, हमेशा से रही है, बदलेगी, बदल रही है, बिल्कुल बदलेगी। पर वो तभी बदलेगी जब हम खुद बोलेंगे। हाँ। जब हम खुद कहेंगे कि नहीं मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं ये साड़ी नहीं पहन सकती, नहीं पहनूंगी, मुझे नहीं पहनूं। और
लड़की तो बोले ही, लड़की से ज्यादा उसका पति बोले बोले एग्जैक्टली क्योंकि सासों को ना अपने सपूतों की बात जल्दी समझ में आ जाती है, समझ में भी आ जाती है और कई बार उल्टा भी हो जाता है, अरे ये बहुत बोल रहा है इसके लिए, और कौन बोलेगा उसके लिए, पर वहाँ फिर पर बोलना चाहिए, वजह से तो वो लड़की इस घर में रहने आई है। एग्जैक्टली बोलना चाहिए, यही मैं कह रही हूँ कि बोलना चाहिए और आपको खुद को मुखर होना पड़ेगा, आप जो संस्कारी बहू का ठीकरा अपने सर पर लेकर चल रही है ना उसको प्लीज गिरा दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि उसको गिरा दीजिए, अपना कम्फर्ट देखिए, जब आप बच्चा पैदा कर रही है तो अपना कम्फर्ट देखिए, बच्चे की सुविधा देखिए। और संस्कार का भी असली मतलब यही है ना, संस्कार मतलब गलत बात बर्दाश्त करना नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक प्रकरण आता है कि बाहर जा रही हो तो कुछ लोहा ले जाओ। हाँ हाँ हाँ। तो ये अंधविश्वास भी बहुत है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा के इर्द गिर्द। हाँ। और आपने अपनी माँ के एक प्रसंग का जिक्र किया है, वो बताइए पाठकों को, दर्शकों को। मेरी माँ जो है वो बिल्कुल भी इस सब में विश्वास नहीं रखती है, अंधविश्वास में या टोना टोटका में, इन सब चीजों में। वो हमेशा से अपने कर्मों पर विश्वास करती आई है, वो कहती है मैं जो हूँ, मुझे जो मिलना है वो मेरे कर्मों से मिलेगा, मैं इस सब में विश्वास नहीं करती। लेकिन एक बार हुआ था जब मेरी माँ मेरी बहन के बाद तीसरी बार प्रेग्नेंट थी, एक्चुअली चौथी बार, उनका एक आठवें महीने में मिसकैरेज हुआ था, लेकिन वो हमारा तीसरा मतलब माँ बेबी था माँ का। तो हमारे घर में कोई एक्सपायर हुआ और माँ उस जो डेड बॉडी है, ऐसा बोला जाता है, ऐसा अंधविश्वास है कि आप उस डेड बॉडी, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो डेड बॉडी से दूर रहे, उसके सामने ना जाए, वरना उसका बच्चा मरने की संभावना है या उसके साथ कुछ गलत होने की संभावना है, ऐसे हाँ आशंका है, ऐसा ऐसी मान्यता है। तो सब ने माँ को मना किया कि तुम वहाँ मत जाना, तो घर में औरतें अंदर बैठी हुई थी, माँ भी वहीं जाकर बैठ गई और हमारे घर की ही एक रिलेटिव ने उस जो 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 बच्चा हमारा था, मेरे भैया की पहली बेटी थी, वो एक्सपायर हो गई थी, तो उसके जो कपड़े उतरते हैं, जो कपड़े वो पहने थी वो कपड़े उतरे, उसको नए कपड़े पहनाए गए, तो जो कपड़े उतरे उन्होंने लाके वो मेरी माँ की गोद में रख दिए, उनको माँ से कुछ बैर था जिसका उन्होंने बदला लिया और वो कपड़े, उस मरे हुए व्यक्ति के कपड़े उन्होंने मेरी माँ की गोद में रख दिए। मेरी माँ का आठवां महीना चल रहा था और मेरी माँ 9.5 महीने के बाद जिस बच्चे को जन्म देती हैं, वो एक लड़का था, हमारा भाई होता अगर वो आज होता तो, वो एक्सपायर हो गया। तो मेरी माँ जो कभी भी इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी, कभी कभी उनके मन में ये खटका आ जाता है अब कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, हो सकता है ये भी एक वजह रही हो कि वो चला गया। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ होती हैं कि मैं जब बाहर निकलती थी तो मुझे कहते थे कि लोहा ले लो, शाम के वक्त मत निकलो घर से बाहर, सूर्य ग्रहण है चंद्र ग्रहण है तो ये चीज़ें मत करो, या एक बहुत मज़ेदार है कि बाथरूम में जा रहे हो तो बाल्टी का जो गोल गोल बन जाता है पानी, बाल्टी रख देते हैं और बाल्टी उठाते हैं तो पानी का गोल निशान बन जाता है, उस गोल निशान में पैर मत रखो वरना तुम्हारा पैर फंस जाएगा, पानी के ऊपर पैर मत रखो, जैसे ये रखा हुआ है इसको हटाएंगे तो यहाँ गोल निशान बन जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें हैं जो होती थी और कई मैं नहीं मानती थी, कई मुझे माननी पड़ती थी क्योंकि वो ठीक है चलो दिमागी सुख शांति के लिए। हाँ, दिमागी सुख शांति के लिए। तो ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास हैं, उसके लिए बस यही कहूंगी कि कभी भी आज की बात नहीं है ये, आज आप अपना अंधविश्वास मान भी लेंगी किसी के कहने से तो कल आप अपने बच्चे को क्या जवाब देंगी, वही चीज ट्रांसफर करेंगी। तो बेटर है कि आप ये पूछें कि ये चीज क्यों है। मैं मेरी सास से अक्सर ये पूछती हूँ तो कई बार मुझे डांट भी पड़ती है, वो मुझसे कहती है ऐसा कर लो, तो मैं उनसे कहती हूँ क्यों, इसका रीजन क्या है मुझे वो बता दीजिए, आप मैं कर लूंगी। इंस्ट्रक्शन यही दिए गए थे कि शाम के वक्त घर से बाहर नहीं निकलना, सबसे पहला तो यही था कि 3 महीने तक किसी को इन्फॉर्म नहीं करना, किसी को बताना मत कि तुम माँ बनने वाली हो, जब पेट दिखने लगता है तो लोगों को अपने आप पता चल जाता है, साथ में लोहा लेके घूमना, बिस्तर के नीचे पत्थर या चाकू रख लेना, ग्रहण पड़े तो उसमें बाहर मत निकलना, और ये जो एक मैंने बताया कि और भी बहुत सारे थे, और वो जो चोचले चलते हैं घरों में कि पेट लटका है तो अगर बढ़ता हुआ पेट ऊपर चढ़ा है तो लड़की होगी, नीचे लटका है तो लड़का होगा, नमकीन खाने की इच्छा हो रही है तो लड़की होगी, मीठा खाने की इच्छा हो रही है तो लड़का होगा, सुई में धागा डाल के सिलाई मत करो फिर कैसे करेंगे सिलाई, जमीन पर बाल्टी रखने से पानी गोल निशान बन गया तो बीच में पैर मत रखो, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा गैस या सीने में जलन है तो होने वाले बच्चे के बाल बहुत ज्यादा होंगे। ये बहुत मजेदार था,
और भी बहुत सारे मज़ेदार मज़ेदार थे इंसिडेंट। एक मुझे याद आ रहा है, मैं भूल रही हूँ शायद आप। जी आप भूल रही हैं। हाँ। और यहीं से मेरा अगला सवाल है, आपने इसमें लिखा है कि जब हाँ, आप भूलने लगी थी जी जी चीजें, आप दवाइयां खाती थी और फिर भूल जाती थी कि मैं दवाई खा रही हूँ, फिर हाँ, आपके पति ने चार्ट बनाया था, जी जी नमक भूल जाती थी, जी जी भूल जाती थी, जी जी उस भूलने के दौर के बारे में बताइए। वो भूलने का दौर मेरा अभी तक चालू है, मतलब अभी मैं सोच रही थी कि मैं ये बोलूंगी और मैं भूल गई। कोई बात नहीं, तो सब तो, सबके साथ होता है। हाँ नहीं, वो जो दौर है वो ऐसा था कि मैंने एक बार एक ही दिन में एक टैबलेट दो बार खा ली थी, तो वो दूसरी आप ऑलमोस्ट खाने वाली थी। नहीं, एक खा चुकी थी मैं। अच्छा, एक पहले खा एक, हाँ, अच्छा, वो विटामिन सी वाली हाँ, खा चुकी थी और एक और टैबलेट मैं दूसरी खाने वाली थी, तब मैंने देखा कि ये तो खा चुकी हूँ एक, टेस्ट कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ऐसा आपने लिखा। हाँ, तो वो जब गड़बड़ हुई तो मेरा दिमाग ठनका कि ऐसी तो गड़बड़ हो जाएगी, मैं क्यों ऐसी चीजें भूल रही हूँ। फिर मैंने उसके बारे में पढ़ा, तो प्रेगनेंसी ब्रेन करके एक टर्म होती है, जब आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, आपकी जब औरत माँ बन रही होती है तो उसका शरीर एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा होता है। आप भी अगर 10 दिन एक्स्ट्रा लगातार ऑफिस में काम कर लेंगे तो आपका दिमाग थक जाएगा और आप चीज़ें भूलने लगेंगे। तो औरत तो 9 महीने तक लगातार उसका शरीर काम कर रहा है, भीतर से एक नई जान बना रहा है, एक पूरा हाड़ मांस का शरीर बना रहा है, तो वो उसका दिमाग जब प्रेशराइज होता है तो वो चीज़ें भूलने लगती है। जब दिमाग थक जाता है बुरी तरह से तो वो चीज़ें भूलने लगती है, उसको प्रेगनेंसी ब्रेन टर्म दिया है। मैं बहुत सारी चीज़ें भूलने लगी थी, मैं भूल जाती थी कि मुझे खाना खाना है, या मैं बाथरूम में गई हूँ तो मैं क्यों गई हूँ, या मैं किचन में गई हूँ तो मैं क्यों गई हूँ, ये सारी चीज़ें, मैं बहुत सारी चीज़ें भूलने लगी। तो फिर चार्ट बना के उन सब चीज़ों को मैनेज किया। और फिर एक दिन आप अपने पति से 2 घंटे खूब लड़ी। हाँ। और रोई। हाँ। और फिर खूब सारा खाना खाया और सो गई। हाँ, वो बहुत ही मजेदार था। प्रेगनेंसी डिप्रेशन देश में लोगों को बहुत कम पता है इसके बारे। हाँ। में पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी जी, और प्रेगनेंसी के दौरान भी, थोड़ा उसके बारे में बताइए। प्रेगनेंसी डिप्रेशन के लिए मैं आपको अपनी एक सहेली का अनुभव बताऊंगी। मेरी एक सहेली थी, है एक्चुअली, और उसका जो डिप्रेशन था, प्रेगनेंसी डिप्रेशन को बहुत इजीली हटाया जा सकता है अगर आपका हस्बैंड, आपका साथी आपका सपोर्ट करे, क्योंकि प्रेगनेंसी डिप्रेशन कोई चीज़ नहीं है। प्रेगनेंसी डिप्रेशन अपने अंदर की कुछ इमोशंस हैं, कुछ असुरक्षाएं, एंजाइटी हैं। तो अगर आप बोल रही हैं, आप बात करिए, आपको प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि मैं मेरा प्रेगनेंसी डिप्रेशन, मुझे पता चला था कि हम लोग सड़क पर जा रहे थे रोड पे और मेरे हस्बैंड ने एकदम से गाड़ी में ब्रेक लगा दिया और मैं आगे की तरफ झुक गई, और उनको मैंने कभी इस तरह ब्रेक लगाते हुए देखा नहीं था, तो मैं डर गई और मैं रोने लगी बहुत ज़ोर से उसी वक्त। फिर आगे मैंने देखा कि आगे कुत्ता जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो ब्रेक लगाएंगे, लेकिन मैं क्यों रोई इस तरह, तो मैं कभी नहीं रोती हूँ। फिर एक दिन वो घर पर आए और मैं अचानक उनसे लड़ने लगी, मुझे नहीं पता था कि कारण क्या था, वो उनके देर से आने से लड़ी या क्या वजह थी, किस वजह से मैं लड़ी, मैं बहुत लड़ी और फिर मैं बहुत रोई कि मैं क्यों लड़ रही हूँ या मैं इस तरह से अचानक क्यों रो रही हूँ, ये तो मैं नहीं हूँ। मूड स्विंग्स होते हैं बहुत, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं अंदर से, जैसे अमूमन पीरियड्स के शुरुआती दिनों में कई लोगों को होते हैं। हाँ हाँ, अमूमन होते हैं और इस टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा होते हैं, तो आपको पता नहीं चलता है कि ये मूड स्विंग्स क्यों हैं। पर उस फेज को अगर आपको टेक ओवर करना है, आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, आपको ये नहीं सोचना है, एक डिप्रेशन इस वजह से भी होता है कि मैं, मेरा जो बच्चा है ठीक तो है ना, मैं उसको अच्छे से रख तो रही हूँ ना, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली तो उसको कुछ हो तो नहीं जाएगा ना, हाँ कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं हो जाएगी, वो अपंग तो पैदा नहीं होगा, वो ऐसा तो नहीं होगा, या मैंने आज ये खा लिया है तो इससे उसको कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, अरे वो किक कर रहा है कि नहीं, आज हार्ट नहीं हुई तो क्या हो गया, वो ठीक तो है ना, ये सारी चीज़ें अंदर से बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उन चीज़ों के बारे में बात करिए, उन चीज़ों के बारे में बोलिए, रात को बैठ के अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ के उससे आधा घंटे बात कर लीजिए कि आज दिन भर मेरा ऐसा बीता, मैंने ऐसा ऐसा महसूस किया, कुछ होगा तो नहीं ना, वो आपको तसल्ली दे देगा, आपका सारा डिप्रेशन एक मिनट में फोर हो जाएगा, कि डिप्रेशन की स्टेज आएगी ही नहीं। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो आप मेरी उस सहेली की जैसी बन जाएंगी जो पूरे 9 महीने रो रो के बिताई है, पूरे 9 महीने, क्योंकि उसका हस्बैंड को कोई मतलब ही नहीं था कि हाँ ठीक है यार माँ बन रही है बन जाएगी, इस टाइप का जो उसका रवैया था, वो चाहती थी कि वो उससे बात करे लेकिन वो बात नहीं करता था, उसके अपने बिजनेस थे, अपने काम थे, अपना ऑफिस था, अपना लैपटॉप था, अपनी चीजें थी, तो ये बच्चा भी तो उसका अपना था ना, था, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं
बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जिनको लगता है कि हाँ ठीक है, 2 मिनट पूछ लिया कि कैसी हो, बस हो गई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं तक खत्म, बाकी आपका काम, आपका ऑफिस, आपकी थकान, आपका जिम, ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं पूछते कि आज तुम्हारे दिन में तुम्हारे बच्चे ने क्या महसूस किया, या आज तुमने तुम्हारे बच्चे के लिए क्या महसूस किया, तुम कैसा महसूस कर रही हो, तुम कैसा महसूस नहीं कर रही हो, हम कैसा करेंगे। ये जो हम है ना, जहाँ खत्म हो जाता है वहां से डिप्रेशन शुरू हो जाता है। पतियों का जिक्र आया, सबको लगता है कि प्रेगनेंसी सिर्फ पत्नियों की होती है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो बताइए, आपने किताब में भी लिखा है? हाँ, मैंने किताब में एक चैप्टर लिखा है, प्रेग्नेंट पिता। ये एहसास मुझे तब हुआ जब मुझे ये लगने लगा कि मैं अपने हस्बैंड से ओवर एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मतलब जब मेरे माँ बनने के दिन बिल्कुल पास आने लगे थे, तो मैं उनसे, मेरा जो मूड स्विंग था, मैं चाहती थी कि वो हर वक्त मेरे पास ही बैठे रहें, जो पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली, पर मुझे लगता था कि यार मैं इनकी सिचुएशन क्यों नहीं समझ पा रही हूँ, या क्या सिचुएशन है इनकी जो मुझे समझनी चाहिए। तब मैंने पढ़ा, इंटरनेट पर रिसर्च की इस बारे में, किताबें जो मेरे पास थी उनमें पढ़ा, तो मुझे पता चला कि ह्यूमन बॉडी, चाहे मेल की हो चाहे फीमेल की हो, जब प्रेगनेंसी वाला दौर होता है तो मेल के भीतर भी कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और वो अच्छा। जी, और वो काफ़ी हद तक ऐसे होते हैं जो फीमेल से सिमिलर होते हैं, मूड स्विंग ये मेल्स में भी होता है, और उनको भी ऐसा लगता है कि मैं एक वक्त में ऐसा हूँ, दूसरे वक्त में वैसा हूँ, जैसा आपकी वाइफ को लग रहा है जब वो प्रेग्नेंट है। तो मूड स्विंग आपके हस्बैंड के भी हो सकते हैं, और आपको वहाँ पर समझना होगा। मतलब दिस इज़ बेसिकली अ जॉइंट वेंचर, आपको एक साथ जाना है, एक साथ जीना है, एक साथ हर पल को महसूस करना है, तो सब कुछ अच्छे से होगा। आपका हस्बैंड भी बहुत सारी चीज़ें, आप ये मत सोचिए कि जिस दिन आपने बच्चा पैदा किया उसकी गोदी में रख दिया और वो फादर बन गया, ऐसा नहीं है। आपने अगर पहले दिन से, जब आपने कंसीव किया उस दिन से लेकर 9वें महीने तक जब आपने बच्चे को जन्म दिया, तब तक की जर्नी में आप थोड़ा थोड़ा माँ बनी है, एक एक दिन माँ बनी है, तो आपका हस्बैंड भी थोड़ा थोड़ा पिता बने, आप ये सोचिए। आप उसको थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा समझाइए, सारी बातें करिए तो उसको, बिल्कुल बहुत सारी बातें करिए, बिल्कुल। मेरे हस्बैंड रोज मेरे पेट पर हाथ रख के आधा घंटा बैठते थे तसल्ली से, और उससे बातें करते थे, उसको बताते थे, पूछते थे, कभी कहते थे ये ट्रैक्टर चला रहा है, कभी कहते थे ये बस चला रहा है, आज ये ऐसे कर रहा है, आज ये वैसे कर रहा है। तो दिस शुड बी हैपन, ऐसा होना चाहिए। ट्रैक्टर तो चलाएगा ही, बाप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, माँ ऑर्गेनिक फार्मिंग करवा रही है, जी 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 जी, ट्रैक्टर तो चलाएगा ही। तो एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगी यहाँ पे, कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत खुश मिजाज हो, तो आप डिप्रेशन से बाहर आ जाइए, वरना आपका बच्चा बहुत चिड़चिड़ा, जिद्दी, क्योंकि जो आपकी भावनाएं हैं वो उसके भीतर जा रही हैं, वो आपसे इमोशनली अटैच्ड है, और ये तब तक रहना चाहिए जब तक आप उसको फीड करा रही हैं। पुराने ज़माने में कहावत है कि माँ जैसी होगी वैसा ही दूध पिलाएगी, हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि माँ जैसी होगी वैसा ही बच्चे को दूध पिलाएगी। मतलब उसके जो विचार होते हैं, माँ के जो विचार होते हैं, फीड कराते टाइम एक औरत जो सोच रही है, काफ़ी कुछ उसका बच्चा उस टाइम महसूस कर लेता है। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात कर रही हूँ, कि जब वो फीड करा रही होती है तो वो जैसा महसूस कर रही होती है। अगर आप रोते हुए बच्चे को फीड करा रही हैं, और आप हर वक्त रोते हुए बच्चे को फीड करा रही हैं, या आप हर वक्त चिड़चिड़े माहौल में रहकर या चिड़चिड़ा महसूस करके बच्चे को फीड करा रही हैं, तो बच्चे के अंदर वो चिड़चिड़ापन घुस जाएगा। ये सोच लीजिए, आपको खुश रहना है हर वक्त, कैसे भी करके, दुनिया जाए भाड़ में, आपको खुश रहना है। एक आखिरी सवाल, पहले तो एक सत्य सनातन प्रश्न होता है सबका कि आजकल क्या कर रहे हो, तो आप पढ़ रहे हैं जैसे कितना बड़ोगे, नौकरी नहीं लगी जी, लग गई, अच्छा नौकरी लग गई तो शादी नहीं की, तो शादी हो गई, और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल, बहुत मुश्किल सवाल, खुशखबरी कब सुना रहे हो, बिल्कुल कोई गुड न्यूज, कोई गुड न्यूज, कोई गुड न्यूज, शादी होते ही सारे नातेदार रिश्तेदार यही सवाल पूछते हैं, और इन सब का सबसे ज्यादा दबाव ज़ाहिराना तौर पे लड़की के ऊपर होता है, और कई तो हमें ऐसे मिले जो उसी प्रेशर में कि कोई गुड न्यूज उन्होंने कर लिया, कह रहे थे तो कर लिया, तो खुद का कन्विक्शन कब होता है, कब होता है। इस पे मैंने एक लाइन लिखी है किताब में, कि ये हमारा समाज बहुत मजेदार है कि सेक्स पर आग थू करने वाला ये समाज, हाँ। शादी के बाद खुद कहता है कि जाओ कमरे के भीतर जाके कर लो, क्योंकि उनको एक बच्चा चाहिए।
ये हमारे समाज की मेंटालिटी है कि शादी हुई नहीं और अगले दिन अगर बहू देर से आ रही है, थकी हुई आ रही है, तो सास उसको उस नज़र से देखने लगती है कि हाँ, आप तो ये गुड न्यूज़ देगी भैया। मतलब वो जो मेंटालिटी अभी तक सेक्स के लिए थी वो पूरी तरह हट जाती है और वो चाहती है कि ये करें और बच्चा पैदा करें। मतलब वो एक मेंटालिटी है सफल सेक्स करें, सफल सेक्स, सेक्स, सफल सेक्स बिल्कुल, का बिल्कुल ऑर्गेज्म से कोई लेना देना नहीं है, हाँ, दोनों हाँ, बस बच्चा पैदा कर दें, बस बच्चा पैदा हो जाए। और एक और कहावत जो मुझे बहुत सुनने को मिलती थी कि नौवें महीने में बच्चा पैदा कर लो तो गंगा नहा लो। मतलब शादी के बाद आपने नौवें महीने में बच्चा पैदा करके दे दिया तो वो आप गंगा नहा लो कि आपकी जिम्मेदारी, आपकी आपका जीवन सफल हो गया, आपका जीवन धन्य हो गया। मतलब आपने गंगा नहाने वाला काम कर दिया। आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि आप उस बच्चे को पाल सकती हैं या नहीं, आप चाहती हैं कि नहीं आप माँ बने। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अपने अनुभव से मैं ये बात कह रही हूँ कि दुनिया में माँ से, माँ बनने के अनुभव से ज़्यादा खूबसूरत और कोई अनुभव नहीं है। जब आप 9 महीने उस बच्चे को जीती हैं, किसी को अपना कर भी माँ बन सकती हैं। माँ बनना बहुत कुछ सिखाता है। मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर थी, उसने मुझे धैर्य रखना सिखा दिया। अब मुझे पता है कि मुझे कितना संयम रखना है, कितना धैर्य रखना है। उसने मुझे खुश रहना सिखा दिया। तो ये इंसान को इंसान बना देता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप प्रेग्नेंट ही हो। आप गोद लेकर माँ बन सकती हैं, आप किसी के बच्चे को अपनाकर माँ बन सकती हैं, आप दूसरे बच्चों को प्यार देकर माँ बन सकती हैं। माँ, माँ बनना एक चीज़ है। एक प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ मदर थिंग। सिर्फ प्रेगनेंसी को माँ से मत जोड़िए, वो अलग अलग चीज़ें हैं। और पहले किसी गरीब लड़की की पढ़ाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप पुरुष होकर भी माँ जैसा, बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे पहले ये समझिए कि आपको माँ क्यों बनना है। आप खुद से ये सवाल पूछिए कि आपको माँ क्यों बनना है, आप माँ क्यों बनना चाहती हैं। इसीलिए माँ मत बनिए कि आपके घर वाले आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, या आपकी सहेली तो 11वें महीने में बच्चा पैदा कर दी, या उसके तो 2 बच्चे हैं, या मुझे 2 बच्चे करने, या मुझे 30 करोगी तो कब करोगी? या मुझे 30 से पहले बच्चा चाहिए। और एक तो ये इस देश में हर दूसरा आदमी चलता फिरता गायनेकोलॉजिस्ट है कि अरे साहब अभी नहीं करोगे फिर दिक्कत होगी, सबको पता है दिक्कतें होंगी। और एक कर लो तो फिर आता है वो भी कि दूसरा भी कर लो। एक भाई साहब तो बोले एक बार यार 2 करने थे, काम खत्म हो गया, तो काम खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब मैंने अपनी सहेलियों से सवाल पूछे, जब मैं उस स्टेज में पहुंची और मेरे ऊपर प्रेशर बनने लगा, तो मैंने अपनी सहेलियों से पूछे कि तुमने माँ बनने से पहले क्या सोचा था, क्या सोचकर तुम उस स्टेज पर पहुंची। मैं अपना मंथन कर रही थी तो मैं ये सोचना चाहती थी कि क्या मैं तैयार हूँ। ये मेरे आगे सबसे बड़ा सवाल था कि क्या मैं तैयार हूँ। तो मुझे ऐसे ही बहुत मज़ेदार जवाब मिले कि यार फैमिली में बहुत प्रेशर था, यार मेरी सास बहुत बीमार थी और वो चाहती थी कि मरने से पहले एक बच्चे का मुंह देख ले। मतलब ये जवाब उन लोगों के थे जो कॉरपोरेट सेक्टर में काम करती हुई लड़कियां हैं। दे डोंट थिंक, उनको बस एक बच्चा करना है तो उन्होंने कर लिया। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले ये समझो कि तुम माँ क्यों बनना चाहते हो। ये सबसे ज़रूरी है जानना कि माँ क्यों बनना है। सवाल पूछिए, हाँ, खुद से सवाल पूछिए, खुद से सवाल पूछिए और खुद को जवाब देने की कोशिश। और प्रेगनेंसी के दौरान भी अंकिता की तरह डॉक्टरों से, रिश्तेदारों से सवाल पूछते रहिए। हाँ, खाओ तो क्यों खाओ, क्यों खाओ, ऐसा करूं तो क्यों। आपने खूब सवाल पूछे, आप एक्सपर्ट हो गई है ठीक ठाक की। हाँ, ये मतलब टेस्ट क्यों होता है, गूगल टेस्ट, फिर ये टेस्ट, वो टेस्ट। हाँ, बहुत ज़्यादा सवाल पूछती थी मेरी डॉक्टर से। मैं पूछती रहती थी, अच्छा ऐसा है तो क्यों है, अच्छा ये है तो क्यों है, एसिडिटी क्यों हो रही है, एसिडिटी क्यों हो रही है, ऐसा क्यों करना चाहिए। और मेरी माँ से, मेरी सास से, जितने भी बूढ़े पुराने लोग होते थे वो मुझे कोई बात बोलते थे तो मैं पूछती थी, अच्छा ऐसा है तो ऐसा क्यों है, आप मुझे बता दो तो मैं कर लूँगी या मैं मान लूँगी, और अगर आपको नहीं पता तो मुझे खोज के बता दो कि ऐसा क्यों है। तो मेरे अंदर जो क्यों का कीड़ा था वो इस किताब की जननी है बेसिकली। चलिए, किताब वाला में इस बार इतनी ही बात। अंकिता जैन, आपका बहुत शुक्रिया इस किताब को लिखने के लिए भी और इस एपिसोड का हिस्सा बनने के लिए भी। मैं से माँ तक, राजपाल प्रकाशन से ये किताब प्रकाशित हुई है। 175 रुपये इसकी कीमत है। और पुरुषों को ये किताब खोज के पढ़नी चाहिए और लड़कियों को तो पढ़नी ही चाहिए। शुक्रिया। बिल्कुल, थैंक यू।